सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पनीर दो प्याजा। अगर आपको पनीर खाना पसंद है तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज़ के टमाटर, दो प्याज, दो ग्रीन चिली और इस तरह से हमें प्याज की ज़रूरत पड़ेगी और हरी धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट, 200 ग्राम पनीर, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये हमने किंग मसाला लिया है, आप इसकी जगह कोई भी मसाला ले सकती हैं, धनिया पाउडर और थोड़े से हमने खड़े मसाले लिए हैं, दो तेज़ पत्ता है, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और दो लौंग। तो चलिए हम प्याज का पहले पेस्ट बना लेते हैं। हम इस तरह प्याज को कद्दूकस कर रहे हैं। आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी बना सकती हैं। तो इस तरह हम ग्रेट कर लेंगे प्याज को। देखिए दोस्तों, हमने प्याज को ग्रेट कर लिया है और हमने टमाटर भी बना लिया है। अब हम अपने पनीर को काटेंगे। आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसे भी काटना चाहे साइज़ का काट सकती हैं। इसको हम थोड़ा इस साइज़ में काट रहे हैं। थोड़ा मोटा ही रखेंगे जिससे मसाला हमारे अच्छे से मैरिनेट हो सके। ये देखिए, हमने सारे पनीरों को पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाला डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा किंग मसाला, और नमक। नमक हम थोड़ा ही डाल लें। अब इनको अब अच्छे से हम टोस्ट कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मसाला को मिक्स कर लिया है। अब कोटिंग आ चुकी मसालों की अच्छी से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे बड़े बड़े पीसेस में। ये देखिए, हमने प्याज को इस तरह से पीसेस में निकाल लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, आप चाहे तो ना करें। ये देखिए, हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। हम मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकती हैं अपने मनपसंद। अब हम अपने प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। इनको हल्का सा करना है। ये देखिए, हमारे प्याज हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट पर निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम अपने पनीर को भी फ्राई हल्का कर लेंगे। अब इनको एक दो मिनट हम चलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम इसके कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे हमारे कलर आए हैं। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम सेम ऑयल में हम
जीरा डालेंगे, फ्लेम मीडियम पर रखेंगे, तेज पत्ता, इलायची, इसमें खड़े मसाले डाल लें, अब इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हमने अपने कद्दू की कच किया हुआ प्याज डाल, थोड़ा सा फ्लेम मीडियम रखेंगे, अब इसको हमें 2-3 मिनट भूनना, जब तक ये अच्छा से अपना कलर ना आ जाए पिंक कलर। ये देखिए हमने चलाते हुए प्याज को भून लिया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला जितना अच्छे से हम भून लेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे मसालों को, ये देखिए हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे टमाटर प्यूरी, इसको भी अच्छे से हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किंग मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इनको कुछ देर भूनेंगे ढककर। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, मसालों में अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम उसमें पनीर ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से नहीं हमारे पनीर टूट जाएंगे। अब उसी कटोरे के पानी से हम अपना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी आप ग्रेवी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे भी, अब इसको 1-2 मिनट हम ढककर पकाएंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने प्याज, हल्के हाथों मिक्स करेंगे इसको, साथ ही डालेंगे कटी हुई इस तरह से मिर्च, गरम मसाला, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
हम डालेंगे क्रश करते हुए अपनी कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी में। अब इसको ढककर 1 से 2 मिनट हम और पका लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बढ़िया सी पक चुकी है। अब हम धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर लेंगे और इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार हुई है। चलिए इसको सर्व करते हैं। हमारी डिलीशियस सब्जी बनकर है तैयार। मैं इसे पूड़ी के साथ सर्व करूंगी। आप इसे रोटी नॉन के साथ भी सर्व कर सकती हैं। उम्मीद करती हूं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।